एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्ट्रॉहैट पायरेट्स की शिप को दिखाया गया, जहां पर लूफी, उसॉप और चॉपर झूला झूल रहे थे। पहली बारी थी चॉपर की। ये झूला तो सही में कमाल का है। सही कहा, ये कमाल का है। और अब देखो, ये मैं गया। बढ़िया चॉपर, तुमने कर दिखाया, अब मुझे करने दो। फिर यहाँ पर एक पोस्टर को दिखाया गया, जिस पर लिखा है यहाँ अंदर नहीं आ सकते, जिसके अंदर है फ्रेंकी। मुझे लगा था कि वो इसे देखकर खुश हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर नामी सीधा फ्रेंकी के पास आ गई। पर आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गई? क्या तुमने वो बाहर वाला पोस्टर नहीं देखा? वैसे ये छोड़ो, आ ही गई हो तो एक बार इसे देखो। मैंने उस कबाड़ को बिल्कुल ठीक कर दिया, बिल्कुल नए जैसा। बताओ तुम्हें ये कैसा लगा? आखिर बिना पूछे तुमने ये सब करा क्यों? और फिर उसने फ्रेंकी को मार के उसे पीछे फेंक दिया। अगर तुमने इसे जल्दी ही ठीक नहीं करा तो तुम तो समझो गए काम से। पर ये तो बढ़िया था, इसमें आखिर कमी क्या है? ऐसा नहीं है, वो एक वेवर है पानी में चलने के लिए। फिर यहाँ पर अभी का सीन दिखाया गया। ठीक है, अब मैंने इसे बिल्कुल ठीक कर दिया, पक्का अब उसे ये बहुत अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर लूफी और बाकी सबको दिखाया गया। लूफी, अब तुम जाओ। ठीक है, ये मैं गया। ओ बढ़िया लूफी, तुमने तो सही में कमाल कर दिया। फिर यहाँ पर शांजी को दिखाया गया। नामी सान और रॉबिन चैन, देरी के लिए मुझे माफ़ कर देना, अब ये बिल्कुल तैयार है। और फिर वो वहाँ से बाहर चला गया। दोस्तों, अगर तुम सब थोड़ी देर के लिए फ्री हो तो जाकर ऑक्टोपस लेकर आओ। अगर तुम वो लेकर आ गए तो मज़ा आ जाएगा, हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे और पार्टी भी करेंगे। हाँ शांजी, तुमने ठीक कहा, मैं अभी उसे लेकर आया। और इस सब के बाद वो सब वहाँ से एक्वेरियम चले गए। दोस्तों, ये मुझ पर छोड़ दो। चॉपर ने अपना हाथ नीचे डाला पर वो ऑक्टोपस नहीं पकड़ सका। चॉपर, अब मेरी बारी। रुक जाओ लूफी, शायद से तुम कुछ भूल गए। अगर कैप्टन उसॉप तुम्हारी शिप पर है तो ऐसा काम उस पर छोड़ दो। और ये कहने के बाद कुछ देर बाद उसॉप उस पानी के अंदर चला गया। फिर यहाँ पर रॉबिन और नामी को दिखाया गया। नामी, तुम्हारे पीछे देखो, ये तो उसॉप है। आखिर वो सब मुझे मिल ही गए, लेकिन तुम सब मुझसे नहीं बच सकते। अगर मरना नहीं चाहते तो तैयार हो जाओ। और फिर कैप्टन उसॉप आगे बढ़ा और उसने अपने कमाल के मूव को इस्तेमाल करके कुछ ऑक्टोपस को बाहर फेंक दिया। उसॉप, तुम तो सही में कमाल के हो। धीरे धीरे करके उसने काफ़ी सारे ऑक्टोपस ऊपर फेंक दिए, पर तभी उन सब ने मिलकर उसॉप को पकड़ लिया। उसॉप, क्या तुम ठीक हो? ओ नहीं, लगता है कि उन ऑक्टोपस ने उसॉप को पकड़ लिया। क्या, पर कैसे? उसॉप, मेरा हाथ पकड़ो। लूफी ने अपना हाथ नीचे करा और उन सारे ऑक्टोपस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसॉप भी बाहर आ गया। आखिर तुमने मेरे पर हमला क्यों करा? पीछे से वहां पर शांजी आ गया। क्या, तुम्हें ऑक्टोपस पकड़ना भी नहीं आते? इससे बढ़िया तो मैं लेकर आता। अगर ऐसा है तो अगली बार खुद जाकर देख। क्या बेकार है ये सब। एक मिनट रुको दोस्तों, पानी में कुछ तो है। क्या, पर कहाँ पर? और यहाँ पर थी एक बैरल, जिस पर लिखा था भगवान के लिए खजाना। उस पर लिखा है खजाना। क्या कहा, खजाना? उसे यहाँ पर लेकर आओ। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया। दोस्तों, हम सब अमीर हो गए, हमें आखिरकार खजाना मिल ही गया। ज़्यादा खुशी मत बनाओ, वो कोई खजाना नहीं है। पर बिना देखे तुम्हें कैसे पता? एक बार उसे ध्यान से देखो, उस पर लिखा है भगवान के लिए तोहफा, पक्का उसमें दारू होगी। अगर ऐसा है तो चलो उसे पीकर देखें। पागल हो क्या? अगर ऐसा करा तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। मैंने सुना था कि अगर तुम प्रार्थना करके पियो तो सब ठीक होगा। ये सब छोड़ो, उसे मुझे दो, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। चलो उसे पीकर देखें। ठीक है भगवान, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। अगर वो भगवान स्काइपिया जैसा है तो माफ़ी मत मांगो। चलो अब इसे खोल कर देखें। और जैसे ही लूफी ने उस बैरल को खोला, वहाँ पर हुआ एक धमाका। एक फ्लेयर जस्ट उनकी शिप के ऊपर चल गई। सब उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। आखिर वो चीज़ है क्या? वो पक्का एक फ्लेयर थी। क्या, एक फ्लेयर? हाँ एक फ्लेयर, मतलब कि हो सकता है कि अब कोई हमारा पीछा करे। तो क्या मतलब कि वो एक जाल था? मैं वो नहीं जानती, पर लगता है कि कोई तो गड़बड़ है। ओ नहीं, लगता है कि कुछ ही देर में एक बड़ा सा तूफान आएगा।
अगर नामी ने बोला है तो पक्का आएगा। दोस्तों सब तैयार हो जाओ। और कुछ ही देर में सही में वो तूफान आ भी गया। तेजी से बारिश होने लगी और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। पर आखिर इतना अंधेरा हुआ कैसे? तुम लोग इसकी चिंता मत करो, ये शिप इस सब को संभाल लेगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम सब तैयार हैं। ठीक है, अब मैं इसे शुरू करता हूँ। ये है डॉग सिस्टम चैनल जीरो। चलो थाउजेंड सनी, अब अपना कमाल दिखाओ। और इस सब के बाद थाउजेंड सनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया। हम सब तूफान से तो बच गए, लेकिन अभी तक अंधेरा नहीं गया। आखिर ये जगह है कौन सी? लगता है कि वो जगह आ गई। कौन सी जगह आ गई? वही जगह जहाँ पर भूत रहते हैं। हाँ, उसने ठीक कहा, इसलिए सावधान हो जाओ, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पकड़ कर ले जाए। लगता है कि हम उस जगह पर आ गए। ये है फ्लोरियन ट्रायंगल। जो भी उस जगह पर जाता वो वापस नहीं आ पाता। दोस्तों बोल दो कि ये सब झूठ है, भूत सच में नहीं होते। तुम्हें लगता है कि कोई भूत वाली शिप चलकर यहाँ पर आएगी? ऐसा नहीं होगा। सोरो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। उसॉप वो ठीक है, दादी ने बताया था कि यहाँ पर हमें भूत मिलेंगे। क्या भूत मिलेंगे? ऐसा नहीं होगा। शांत हो जाओ, उसॉप को मत डराओ। हम उसे नहीं बताएंगे कि 100 से भी ज़्यादा शिप यहाँ पर गायब हो गई। और ऊपर से मैंने सुना है कि भूत चलकर खुद हमारे पास आएगा। वो होगा एक स्केलेटन, और फिर वो हम सबको मार देगा। वो सब बातें ही कर रहे थे कि पीछे से सच में एक शिप उनकी तरफ आ गई। क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? शिप के पीछे से गाने की आवाज़ को सब लोग सुन पा रहे थे। उसॉप ने पीछे देखा, एक बड़ी सी डरावनी शिप उनकी शिप के जस्ट पीछे थी। सब लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए। ये शिप आखिर है किसकी? और ये गाना, ये सब आखिर है क्या? सब सुनो, सब अपने कान बंद कर लो, ऐसा दिखाओ कि जैसे हमने उस शिप को नहीं देखा। दोस्तों एक बार ऊपर देखो, वहाँ पर कोई तो है। और यहाँ पर था एक सच का स्केलेटन। सब उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। दोस्तों क्या तुमने देखा? वो एक स्केलेटन था, वो भी एक गाने गाने वाला स्केलेटन। ऐसा नहीं है, स्केलेटन गाना नहीं गाते। सोरो प्लीज़ चलो उसे देखने चलें, मैंने आज से पहले कोई स्केलेटन नहीं देखा। ओए लूफी एक मिनट रुक जाओ। सुनो तुम सब, ये चीज़ फैसला करेगी कि आखिर लूफी के साथ कौन जाएगा। उन सब ने वो स्टिक वाला गेम खेला और नामी हार गई। आखिर मैं ही क्यों? नामी जल्दी करो। नामी सान आप चिंता मत करो, मैं आपको बचा लूँगा। नामी हो सकता है कि वहाँ पर खजाना हो। और ये सब सुनकर नामी तेज़ी से ऊपर जाने लगी। ऊपर खड़ा था वही स्केलेटन। भगवान प्लीज़ उन सबको बचा लेना, काश उनकी आत्मा को शांति मिले। यहाँ पर लूफी और बागी सब थे उसी स्केलेटन के सामने। तुम सबका दिन बढ़िया हो, अगर मेरे से डर गए हो तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे सच बताऊँ तो तुम सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कई सालों से मैंने कोई भी इंसान नहीं देखा, बस देखी है तो कुछ भूतिया शेप। कितनी डरावनी है वो सब। देखा मैंने बोला था ना, ये कमाल का है। सही में ये औरत तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। क्या मैं तुम्हें छूकर देखूं? बकवास करना बंद करो, तुम चाहे जो भी हो। वो स्केलेटन तो सही में कमाल का है। ओए क्या तुम खा भी सकते हो? ये सवाल आखिर है कैसा? कोई बढ़िया सा सवाल पूछो, जैसे कि तुम आखिर हो कौन, तुम आखिर यहाँ पर कैसे आ गए, इस शिप को आखिर हुआ क्या, और आखिर तुम एक स्केलेटन होकर जिंदा कैसे हो। एक मिनट रुको, इस सब को पूछने से पहले तुम मेरे क्रू में आ जाओ। क्या? पर क्यों? अगर तुम चाहते ही हो तो फिर ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया,